पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश भर की महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उनकी तकलीफों को नजदीक से समझा है। अब उन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस की ओर से गारंटियां प्रस्तुत की है, जिसमें महिलाओं के हित की बातें कही गई है। ये कदम न सिर्फ महिलाओं का उज्ज्वल भविष्य और सशक्तिकरण सुनिश्चित करेंगे, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी भी तय करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान मणिपुर से अब लगभग मुंबई पहुंचते तक लाखों लोगों से राहुल जी ने संवाद किया और युवाओं से, पुरुषों से, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, सभी वर्ग के लोगों से उन्होंने संवाद किया और महिला न्याय के संदर्भ में जब भी राहुल जी ने बातें की हैं, ऐतिहासिक हैं, देश के भविष्य को संवारने और बदलने वाली रहेंगी। न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के माध्यम से एक सुनिश्चित आय तय हो जाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सीधे तौर पे इस पैसे के खर्चे के माध्यम से गति मिलेगी। राहुल जी ने हर गरीब परिवार को एक कानून के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कहने की ऐतिहासिक घोषणा की है। कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित रूप से इसे लागू किया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरियों में 50% स्थान हमारी बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, एक और बहुत ऐतिहासिक निर्णय। इसके साथ उन्होंने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए हर जिले स्तर पे हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि कामकाजी महिलाएं जो आती हैं उनको दिक्कतें ना हो और वहां रहकर सुविधाजनक तौर पे वो अपने काम पे जा सकती हैं, काम कर सकती हैं। ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों के लिए पुनः राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।